मेरा फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है गाइस। तो चलो गाइस फर्स्ट पेमेंट निकाल लेते हैं और कितना है, क्या आया है, कैसा है। तो मम्मी आपको कुछ देना है, आंख बंद करो गाइस। लो आपके बेटे का कमाई गाइस। तो गाइस हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियोस गाइस। तो कैसे हो, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे गाइस। तो सभी को जय श्री राम गाइस। और अभी मैं जस्ट नहा धो के रेडी वेडी हो चुका हूँ गाइस। और आज यार एक खुशी का दिन है गाइस, क्या ही बोल सकते हैं आप लोग। चेहरे का खुशी देख के पता ही लगा, आप लोग को कैसे पता होगा यार, मेरे को ही पता है। तो गाइस सर मेरा फाइनली मेरा फर्स्ट पेमेंट आ चुका है गाइस। तो अभी ना मैं नहा धो के रेडी वेडी हो चुका हूँ। तो मम्मी बोली चल मंदिर वंदिर जाके आ जाते हैं करके। तो चलो गाइस मंदिर वगैरह जाते हैं गिरोला मंदिर में, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। फिलहाल अभी कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर बताऊँगा कितना आया क्या आया करके। तो चलो गाइस अभी चलते हैं मंदिर, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप सभी से मिलते हैं। तो चलो गाइस बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है गाइस, फाइनली इतने दिन मतलब ना कम से कम एक डेढ़ साल बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया है। मतलब ना इतना तो नहीं आया लेकिन जितना आया ना बहुत है गाइस। तो चलो कितना है आप सभी को बताऊंगा, फिलहाल बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है। तो चलो अभी जाते हैं मंदिर, माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, उसी तरह तरक्की करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखना गाइस। तो चलो अब सीधा चलते हैं मंदिर। तो गाइस अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में गाइस अभी जस्ट, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा खाली खाली। बाकी यहाँ पे पूरा नारियल वारियल बेचते हैं, बाकी अभी मम्मी नारियल वारियल खरीद रही है। तो चलो नारियल वारियल खरीद के लाने के बाद हम लोग माता रानी का पूजा करते हैं। और आज शनिवार है गाइस, थोड़ा भीड़ रहते हैं लेकिन आज नहीं है, थोड़ा तो कम सा है। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर, माता रानी का दर्शन करते हैं और आप सभी को भी दर्शन कराते हैं। तो गाइस सर फाइनली हमने दर्शन वगैरह कर लिया है गाइस माता रानी का, और माता रानी का आशीर्वाद मिला। तो गाइस सर अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखा है देख सकते हो, और मंदिर पूरा खाली है। अभी आरती वगैरह नहीं हुआ है, लेट से होता है। तो चलो अब कब तक यहाँ थोड़ा बैठते हैं और उसके बाद जाते हैं गाइस। सो गाइस सर फाइनली दर्शन वगैरह करके हम लोग घर पहुँच चुके हैं गाइस अभी जस्ट, और बहुत ज़्यादा धूप निकला हुआ है। और गाइस सर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो चलो पानी वानी पीते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में आप सभी से मिलते हैं गाइस सर। तो और आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, भूख भी नहीं लग रहा है, मतलब ना खुशी के मारे भूख भी नहीं लगता है। और बोलते नहीं है खुशी के भी आंसू निकलते हैं और दुख के भी आंसू निकलते हैं, यार ये खुशी भी बहुत हो रही है। तो चलो गाइस अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। गाइस सर अभी चलते हैं फर्स्ट पेमेंट निकालने, और कितना आया क्या है देख सकते, अपने हाथ में ATM आ चुका है। तो मेरा तरुण भाई अभी अकाउंट में जा चुका है। तो चलो गाइस फर्स्ट पेमेंट निकाल लेते हैं और कितना क्या आया है कैसा है। तो चलो आप लोग वीडियो में बने रहना, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि कितना पेमेंट आया, मैं आप सभी को बताऊँगा। गाइस देख सकते हो मेरे दोस्त ने नया नया मतलब क्या बोलते हैं फॉर्म वॉर्म डालने का काम शुरू किया है गाइस। YouTube से कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड सब कुछ प्रिंट प्रिंट करके सब कुछ देखो सेटअप कर दे एक ही दिन में। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, बाकी कंप्यूटर सीख रहा है गाइस देख सकते हो, बड़ा आदमी मस्त दिख रहा है यार। भाई मेरे को भी जॉब चाहिए यार, दोगे सुन ना चल ना, एक खुशखबरी है यार। क्या है सोच के देख, क्या खुशखबरी है, पेमेंट यार गया। भाई यार देखो गाइस पैसा का नाम लो ना, खाली पार्टी का ही नाम। तो चलो गाइस ATM के पास जाते हैं, पैसे वैसे निकालते हैं, उसके बाद मम्मी पापा को देंगे पैसे, जो खुशी मिलेगी ना बहुत तगड़ा वाला उनका रिएक्शन देंगे यार। तो चलो चलते हैं सीधा, जाते हैं निकालते हैं पैसा, उसके बाद मैं बताऊंगा कितना आया क्या आया करके, और मेरा जर्नी कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, किससे इंस्पायर होकर क्या क्या किया था सब कुछ बताऊंगा। तो चलो वीडियो में बने रहना गाइस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इमोशनल टाइप का होगा, मेरा लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं वीडियो में। सर फाइनली अपना ATM जा चुका है, तो यहाँ पे निकालते हैं पैसा वैसा। बाकी क्या करना है जो तेरा हुआ है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे पिन डालना है भाई, पहले क्यों डाल, हाँ आप डाल सो गाइस सर फाइनली आ चुका है अपना पेमेंट, देख सकते इतना सारा आ गया। तो कितना है क्या है आप लोग को बताऊंगा, चलो अभी जाते हैं घर में फिलहाल के लिए। नमस्कार ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे गाइस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जहां मैं रोज अपना वीडियो अपलोड करता हूँ गाइस। तो मैं अपना कहानी बताऊंगा, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया ना, तो इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही। अच्छा आप लोग को मोटिवेट करने के लिए ना मैं एक कहानी बताता हूँ, जो कि मेरा ही कहानी है।
तो गाइस सर ये बात होती है 2021 की, जब मैं सौरभ जोशी का वीडियो देखते रहता हूँ और अचानक से मेरे माइंड में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी ब्लॉग बनाऊं। लेकिन यार जब मैं ब्लॉग बनाने जाता हूँ ना तो सबके सब हंसते हैं। मतलब जैसे मैं फर्स्ट वीडियो ना किसी को बिना बताए निखिल को बोलता हूँ कि मेरा शूट वूट कर दे करके, जब उसका निखिल का चैनल नहीं था तब ना मेरा चैनल था, एक नया चैनल खोला था 2021 में। तो गाइस सर मैं ना बनाए उसमें कम से कम ना 7-8 वीडियो बनाए तो मेरा बहुत मजाक बनता था। फिर धीरे धीरे सबका मजाक सुन सुन गया, मैं छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद एक दिन अचानक से शिवरात्रि के दिन निखिल ने वीडियो स्टार्ट किया। फिर ना निखिल जैसे वीडियो बनाया ना तो उसका धीरे धीरे 1K होने लगा, ग्रो होने लगा। उसके बाद ना निखिल का अचानक से वीडियो वायरल हो गया, मतलब वो ना रिएक्शन वीडियो लेने लगा। तो उस दौरान फिर निखिल का चैनल इतना ग्रो हुआ, इतना ग्रो हुआ, इतना ग्रो हुआ कि आज वो निखिल कहाँ पे आप सभी को तो पता है। तो गाइस सर फिर निखिल का देख के फिर चलो उसका भाई हूँ तो फिर से मेरे अंदर एक जुनून जगा कि चलो यार फिर से ट्राई करते ही करके, अब तो कोई नहीं बोलेगा क्योंकि यार निखिल का नाम बन चुका था। तो फिर मैं सोचा कि फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ करके। तो फिर से मैं स्टार्ट किया भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपने गांव के शिव मंदिर से। तो गाइस सर धीरे धीरे मेरा भी ग्रो होने लगा, 200-300 धीरे धीरे। लेकिन मैं भी ना कभी निखिल का नाम लेके ना मतलब उसके साथ मतलब कभी उसको प्रमोशन के लिए कुछ बोला नहीं, किसी चीज के लिए नहीं बोला। मैं अपना मेहनत करता रहा, मैं खुद का ऑडियंस बनाने लगा। लेकिन अभी भी मेरे ऑडियंस ना निखिल के भी है, मेरे भी है, मतलब दोनों के हैं। मतलब हम दोनों भाई को पसंद करते हैं, निखिल के ऑडियंस मेरे ऑडियंस। लेकिन मैंने कभी तक निखिल को अपना चैनल को प्रमोशन करने के लिए नहीं बोला। और आप सभी भी कभी ना प्रमोशन के चक्कर में मत पड़ो, आप लोग खुद मेहनत करो। अगर मेहनत करते रहोगे ना 1-2 साल तो आपका जरूर सक्सेस होगा। तो गाइस यार 2 साल से मैंने लगातार मेहनत करता रहा, मतलब ना 2021 में किया था ना मैं छोड़ दिया था। उसके बाद ना मैं स्टार्ट किया 2022, जैसे निखिल फेमस होने लगा ना तो बीच में मैं सोचा कि चल यार मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर से स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैं धीरे धीरे तरुण भाई को देखा, मैं खुद करने लगा, फिर धीरे धीरे मैं स्टार्ट करने लगा। फिर सब के सब दोस्त लोग जुड़ने लगे धीरे धीरे, फिर ऐसा कर करके फिर ग्रो होने लगा। फिर धीरे धीरे से व्यूज, अभी भी मेरा मजाक उड़ाते बहुत सारे लोग कि निखिल का हो गया, निखिल का पैसा आ रहा है, तेरा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा। तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ गाइस फाइनली मेरा भी यूट्यूब पेमेंट आ चुका है, कितना है क्या है अभी सबको पता चलने वाला है। तो गाइस यार बस यही जर्नी था मेरा कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मेरे गांव वाले मेरे को मजाक उड़ाते थे, मेरे भाई लोग मतलब बोलते थे तू क्या करेगा, तेरा पैसा नहीं आता है, तेरा कुछ भी नहीं आता, बिना पोकट का मेहनत कर रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उन लोग को बताना चाहता हूँ फाइनली मेरा मेहनत का फल आ चुका है। मैं जितना इन्वेस्ट किया उतना पैसा तो नहीं आया है, लेकिन उससे भी एक दिन दुगना आएगा, अभी फिलहाल के लिए कम आया है। तो गाइस यार अभी भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि यार खुद के मेहनत से थोड़ा बहुत पैसा आया, जितना भी आया। अभी मम्मी पापा को भी नहीं बताया, मम्मी पापा को भी दूंगा पैसे वैसे के बारे में। अभी मैं सुबह मंदिर गया था तो मम्मी को भी नहीं पता कि पैसा आया करके। तो गाइस यार अभी मम्मी पापा को भी दूंगा, उनके चेहरे का खुशी देखूंगा। तो गाइस सर अब ना निखिल का भी मतलब दोनों भाई कमाने लगेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। तो चलो गाइस अब वीडियो में बने रहना, बस यही जर्नी था मेरा, बहुत कुछ था और मेरा जर्नी मैं एक दिन बताऊंगा। और गाइस सर मैं सोच रहा हूँ Q&A वीडियो भी बनाऊं, तो आप लोग बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े कमेंट करना गाइस, मैं सबका कमेंट पिकअप करूंगा और 15K पे ना बढ़िया सा तगड़ा सा Q&A वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस सर फाइनली मैं ना आ चुका हूँ अकाउंट से गाइस, और आके ना मैं सो दिया था यार, इसीलिए ना कुछ नहीं कर पा, पापा घर में नहीं है, मम्मी है। तो चलो गाइस मम्मी को पैसा देते हैं गाइस। और ये क्या कर रहा है देख सकते हो, नमूना क्रिकेट विकेट खेल रहा है। तो इसको क्या बोलना चाहते हैं, किसको क्या बोलना चाहोगे आप वीडियो में? तो मेरा भाई का पेमेंट आ चुका है गाइस। हाँ इसको पता है गाइस, अभी अभी मैं इसको बताया गाइस, क्या पार्टी देना है तेरे को बता मेरे को, एक नंबर। तो चलो गाइस इसको 500 दे देते हैं यार, बहुत मेहनत करता है, मेरा कैमरा वैमरा वो कर देता है गाइस। तो चलो इसको 500 दे दिए, तो चलो अभी मम्मी को पूरा पैसा दे देते हैं गाइस जितना भी आया। पापा तो नहीं है, कुछ काम की वजह से बाहर गए हैं, तो चलो मम्मी को देते हैं। और निखिल भी उड़ीसा में, तो चलो मम्मी को दे देते हैं पैसा और उनका रिएक्शन लेते हैं गाइस, और उनसे थोड़ा आशीर्वाद वगैरह ले लेते हैं और तरक्की करेंगे हम लोग। तो चलो वीडियो में बने रहना और 500 को इधर उधर मत करना, ठीक है ना? कहाँ ले जाएगा? सो गाइस सर ये ना पूरा क्रिकेट विकेट खेलने जाता है गाइस। सो गाइस सर चलो अब मम्मी को देते हैं। तो गाइस सर फाइनली मम्मी बैठी हुई है, मम्मी आपको कुछ देना है, आंख बंद करो गाइस। लो आपके बेटे का कमाई गाइस। तो गाइस तो गाइस सर मम्मी ना बहुत ज्यादा खुश है, देख सकते हो इनका चेहरे का पूरा खुशी, देख सकते हो कितना खुशी यार, क्योंकि यार मैंने कमा के दिया है ना, तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है मम्मी बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है, बेटे पे ये बेटा का भी आ गया पैसा, बहुत खुश
तरफ भाई सर ये ना उड़ीसा के थोड़ा हिंदी विंदी ना थोड़ा गड़बड़ जाता है, तो पापा रहने से ना बहुत अच्छा बोल देते कि सपोर्ट करो ऐसा ऐसा करो करके। तो भाई सर मम्मी का खुशी से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी है, देख सकते हो। बाकी पैसा वैसा कब संभाल के रखेंगे, क्योंकि यार मम्मी की जिम्मेदारी है और हम लोग के पास पैसा रहने से हम लोग इधर उधर कर देते हैं ना। सो गाइस सर बस ना ऐसे ही सपोर्ट करते रहना अपने भाई को गाइस, और आगे बढ़ाते रहना, सब्सक्राइब एंड लाइक वाइक कर देना और शेयर कर देना गाइस। तो गाइस सर फाइनली मम्मी को पैसा दे दिए मेरे को और रिटर्न दे रहे हैं। तो गाइस सर अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं पैसा वैसा, जब जरूरत होगा मम्मी से मांग लूंगा गाइस, बस आप लोग ना सपोर्ट बना के रखना। तो आज निकल भी नहीं और पापा को कुछ काम आ गया था ना, उसी वजह से पापा भी कहाँ गए तो पता नहीं। तो चलो गाइस अब मम्मी का आशीर्वाद वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहीं घूमने फिर से निकल जाएंगे। तरुण भाई का कॉल आया था तो चलो बस यही था, मम्मी को पैसा देना था और इनका रिएक्शन लेना था कैसा रिएक्शन रहेगा करके। तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। तो सो बस गाइस बस आप सबको यही बताना था कि मेरा पेमेंट आया, और गाइस आप लोग को मैंने अभी तक नहीं बताया कि मेरा पेमेंट कितना आया। तो गाइस सर मैं बता रहा हूँ मेरा पेमेंट इतना आया कि मैं ना एक अच्छा खासा एंड्रॉयड ले सकता हूँ, अच्छा खासा मतलब नॉर्मल सा, मतलब समझ जाओ नॉर्मल सा एंड्रॉयड ले सकता हूँ। और बताना तो यूट्यूब के खिलाफ है, तो आप लोग को बस अंदाजा लगा के बता दे, मतलब एक एंड्रॉयड ले सकता हूँ अगर अंदाजा लगा लो उस आसपास के। तो चलो गाइस मतलब नॉर्मल सा एंड्रॉयड। तो चलो गाइस आई होप आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते रहेंगे इस तरह बढ़ते न्यू वीडियो के साथ। तो चलो अपने भाई को सपोर्ट करना बस ऐसे ही। तो जय श्री राम।